नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। स्काई वॉचर्स के लिए अगस्त का महीना बेहतरीन होने वाला है। उन्हें आसमान में कई अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। इस महीने एक नहीं बल्कि दो फुल मून नजर आएगा। पहला नज़ारा 1 अगस्त यानी आज देखने को मिलेगा, जिसे फुल मून या टर्जन मून के रूप में जाना जाता है। सुपर मून होने की वजह से ये सामान्य फुल मून की तुलना में थोड़ा बड़ा और ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। स्टर्जन मून नाम का एक ऐतिहासिक महत्व है। ये तब रखा गया था जब मूल अमेरिकियों, औपनिवेशिक अमेरिका और यूरोपीय लोगों ने फुल मून की खूबसूरती को देखा और इसे नाम दिया। सुपर मून तब दिखाई देता है जब चंद्रमा की कक्षा उसे सामान्य से ज्यादा पृथ्वी के करीब लाती है, जिसके चलते आसमान में देखने वालों के लिए ये एक अद्भुत नज़ारा होता है। वही चंद्रमा दोपहर 2:32 के आसपास चरम पर होगा। सूर्यास्त के बाद जब ये दक्षिण पूर्व क्षितिज से ऊपर उठेगा तब ये पूरी तरह से दिखाई देगा। साल 2023 सुपर मून के लिए काफी अच्छा है। इस साल कुल 4 ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। 30 अगस्त को दिखने वाला फुल मून ब्लू मून होगा, जो अगस्त महीने का दूसरा सुपर मून है। इससे पहले 3 जुलाई को दुनिया के कई हिस्सों में पहला सुपर मून देखा गया था। इसे बक मून भी कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा और पृथ्वी के बीच 3,61,934 किलोमीटर की दूरी थी, जो सामान्य से 22,467 किलोमीटर कम थी। एक आम फुल मून की तुलना में सुपर मून 5.8% बड़ा और 12.8% चमकीला नजर आया था। 1 अगस्त का सुपरमून वैसे तो कुंभ राशि में होगा, लेकिन राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। मेष राशि के लोगों के लिए नई चुनौतियां लेने या नई योजनाओं पर काम करने का समय है। इसका आपको शुभ फल भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी बढ़ने की संभावना है। वही वृषभ राशि की बात करें तो अपने आप को दायरे से बाहर सोचने का मौका दें और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाते समय ये परिभाषित करें कि आप भविष्य के लिए क्या चाहते हैं। ये वक्त आपके लिए शानदार है। वह मिथुन राशि के जातक, जितना अधिक आप दुनिया के बारे में एक अलग नजरिए से सोचेंगे और अपनी कल्पनाओं का पता लगाएंगे, उन्हें आपको जीवन में लाना उतना ही आसान होगा। अपनी कल्पना और जुनून को अपनाएं। कर्क राशि के जातकों के लिए सुपरमून नौकरी में तरक्की के रास्ते खोलेगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस तरह के कई अवसर देखने को मिलेंगे। वही सिंह राशि वाले, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे कारोबार पर इसका सीधा और सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। अचानक धन मिलने की भी संभावना है। कन्या राशि वाले बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। नौकरी में बहुत समय से चली आ रही परेशानियां अब खत्म होंगी। वही तुला राशि के लिए सरकारी नौकरी में सफलता मिलने के आसार हैं। प्रेम संबंध बेहतर होंगे। वृश्चिक राशि वाले ज्यादा भावुक या दुखी महसूस करेंगे। आपके संबंध परिवार के साथ अच्छे होंगे, जिससे आप काम पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। धनु राशि वाले, नई चीजों को सीखने की कोशिश करें। नौकरी में तरक्की के आसार नजर आ रहे हैं। मकर राशि के लोग ज्यादा थका हुआ महसूस करेंगे, जिससे काम में भी रुकावट आएगी। साथ ही बच्चे पढ़ाई में मन लगाएं। वही कुंभ राशि वालों को परिवार का सहयोग मिलेगा। समय और धन की बचत पर भी ध्यान दें। मीन राशि वालों के लिए सुपरमून तरक्की लेकर आ रहा है। परिवार के साथ मेल मिलाप बढ़ाएं, कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।